कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज का वीडियो जो है आप सबके लिए कुछ जो है सरप्राइज लिया है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं छोटी बेबी के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आप सबके लिए जो है हैप्पी न्यू ईयर आप सबको कहूँगी। और आप सबके लिए जो है सबसे जो है न्यू ईयर है, तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोगों के लिए है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और इसी वजह से हमेशा हमारा रिश्ता भी जो है ऐसे ही कायम रहे। सो न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर। जो कि मैं एक वीडियो मैंने कल आप लोगों से अपलोड किया था, जो डेकोरेशन का जो था, डेकोरेशन का आई होप आप लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आया था वो वीडियो। सो ये देख सकते हैं आप, फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये मेरे हबी ने दिया है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो एक फ्लावर और है, ये देख सकते हैं थोड़ा सा मुरझा गया है। ये देख सकते हैं अब कितना क्यूट है। मुझे रोज़ेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो आज जो है बेबीज़ के लिए जो है कुछ इस तरह से जो है गिफ्ट मैंने हम लोगों ने मंगवाया है बाबू के लिए। ये देख सकते हैं आप ये वाला। सो ये वाला इस टाइप का है। ये अगर सब इसे आप ज़मीन में रखेंगे ना तो ये काफ़ी जो है डांस करता है। और इसमें जो है ना लाइटिंग भी इसमें ये देख सकते हैं देख सकते हैं इस टाइप का है ये। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, वो बहुत भी खुश हो जाते हैं, इसको बहुत पसंद है। तो ये जो आया था, ये आया था 500 का। सो हाँ, ये ऑनलाइन भी मिलता है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, पर ऑनलाइन में कोई गारंटी नहीं है और कितना बड़ा आ सकता है इसमें कोई आपको जो है पता नहीं होगा। पर सामने लोगे तो आप ज़्यादा सही रहेगा। सो ये लिया था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत क्यूट सा है, मिक्की माउस बना हुआ है और ये सेल से ही जो है ये ओपन होता है। सो ये हो गया फर्स्ट गिफ्ट। और उसके बाद जो है ये देख सकते हैं आप, ये ओपन है और ये इस टाइप का है और ये कई तरह की इसमें आवाज़ें आएंगी। देख सकते हैं आप बेबी की रोने की आवाज़। और इसमें सिक्स तरह की वॉइस आपको मिलेगी जो भी बटन आप दबाएंगे। और प्लस आपको जो है पियानो भी मिलेगा इसमें, जो आप पियानो का जो है बच्चे दबा के इसमें काफ़ी खुश हो जाएंगे। बहुत ही क्यूट सा है, देख सकते हैं आप पियानो इसमें। और ये भी जो है इसी रेंज में है, 500-600 के लमसम ये वाली इसकी भी रेंज है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी ये वाली इसका प्राइस। सो आप अपने बेबीज़ के लिए जो 6 मंथ के मेरी बेबी हो चुकी है, मेरी बेबी है वो, वैसे तो मेरी बहन की बेटी कहलाएगी पर मेरी बेबी है वो। और 6 मंथ के बच्चे जब हो जाते हैं ना तो वो काफ़ी हर चीज़ जो है देख सकते हैं, ये देखिए बाबू देना दिखाने के लिए, तो वो हर चीज़ जो है बच्चे मुँह में डालते हैं, चबाते हैं, उनको उनके दांत कहते हैं ना आने वाले होते हैं तो उसमें हर चीज़ मुँह में डालते हैं। तो ये तीतर होता है ये इस टाइप का। सो आप इसे ले सकते हैं, बाहर आपको जो है शॉप में मिल जाए, तो बाहर शॉप में मिल जाएगा तो आप ये ले सकते हैं। और इसे बच्चे को जो है ये नुकसान भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें प्लास्टिक का भी आता है, तो ये प्लास्टिक का नहीं है, रबर का है। ये देख सकते हैं आप, तो प्लास्टिक का आप ना लेके आप इस तरह का जो है रबर का ले, ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें पानी भरा होता है। सो आप ये वाला ले सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ये। और ये कई शॉप मतलब कई शेप में मिलता है ये। सो जो भी आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हैं। तो उसके बाद है नेक्स्ट वाला, ये वाला गिफ्ट जो है न्यू ईयर का उसको दिया गया है। देख सकते हैं बहुत क्यूट सा है, ये डॉगी है और इसको चलाने के बाद ये जो देख सकते हैं अब इसमें लाइट जलती है और ये काफ़ी जो है बहुत अच्छे से ये डांस, बहुत क्यूट सा डांस करता है। मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ इस टाइप का, और डांस बहुत अच्छा करता है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो है इस टाइप में है, जो बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, बेटा है मेरा और मेरा जो आयु है उसके लिए है ये। सो इस तरह से है ये, इस तरह से हाँ इस तरह से ये देख सकते हैं आप, खुल जाती है ये, रोबोट कार है ये इस टाइप में। सो ये आपको जो है इस टाइप में ये 100 रुपीज़ के लमसम आपको ये मिल जाएगी बाहर शॉप से, नो ऑनलाइन परचेज ओनली, ये जो है बाहर से शॉप से ही लिया हुआ है। और ये जो डॉगी आपको बता दूँ, ये भी 400 के लमसम इस टाइप में है, लिया हुआ है ये। और ये है क्यूटू सा हॉर्स, और ये इस तरह से जो है छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं।
और उसके बाद जो है ये वाली बॉल आती है, देख सकते हैं अब ये घुंघरू इसमें जो है लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी बच्चों के लिए अच्छी होती है। इसके बाद जो है कितनी सारी टैगी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत एलिफेंट है छोटा सा, देख सकते हैं आप इस टाइप में है। ज़रूर बताएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और ये नेक्स्ट लिया था बेबी के लिए इस टाइप में, देख सकते हैं पोयम बोल रही है, देख सकते हैं आप कितनी क्यूट है ये डॉल, क्यूट उससे यहाँ, और देख सकते हैं आप कितनी क्यूट हुआ, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी, बहुत सुंदर है क्यूट उसी, देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है क्यूट उसी ट्यूटी, ये देख सकते हैं आप स्वीटी वीटी कितनी क्यूट उसी लग रही है, ये बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत इसको पसंद करती है। और ये सब देख रहे हैं क्यूट उसी, उसके बाद ये देख सकते हैं आप ये कितनी क्यूटू सी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, जरूर कमेंट करके बताएगा मेरी ट्यूटी कैसी लगी। और उसके बाद ये वाला है, आपको दिखा दूँ ये वाले, नॉर्मली इस टाइप के टॉयज जो है बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो ये नॉर्मली हर जगह मिल ही जाते हैं, तो ये नॉर्मल है। ये इतने टॉयज है और कुछ टॉयज जो है घर पर रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप कितने क्यूट हो, ये सारे टॉयज जो है इस समय न्यू ईयर में बाबू को दिया हुआ है गिफ्ट में, सो कैसे लगे ज़रूर बताएगा। उसके बाद जो है मैं अपना न्यू ईयर गिफ्ट आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे हबी ने मुझे क्या दिया है, और ये देख सकते हैं आप क्यूटू सी, ये देख सकते हैं आप रिंग, और ये वाली मुझे, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे जो है हबी ने गिफ्ट दिया है, सो मैं आप लोगों को ना पहन के दिखा दे रही हूँ कि कैसी है ये, ये देख लीजिए आप इस टाइप में है ये। ये मैंने ना इस वाली फिंगर के लिए इस हैंड में, क्योंकि इसमें काफ़ी लूज थी ये, देख सकते हैं आप। ये ना डायमंड की है, बहुत जो काफ़ी अच्छा इसका जो है गारंटी वाली है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है, और ये मतलब ना ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होगी है, आपको बता दूं मैं। और एक ये वाली है इस टाइप में, आप देख सकते हैं आप ये इसमें जो है डायमंड्स बने हुए हैं, और ये आप जो है लूज टाइट कर सकते हैं, इस टाइप में है ये, देख रहे हैं आप कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे इस टाइप की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और इतने थे गिफ्ट, और मेरा न्यू ईयर गिफ्ट भी आप लोगों से मैंने जो है शेयर किया है, बट मैंने अपने बर्थडे गिफ्ट नहीं शेयर किया, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वो अभी नहीं शेयर करूंगी, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, जो मैं बर्थडे व्लॉग आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ पर गिफ्ट नहीं शेयर किया है, वो बाद में बताऊँगी आप लोगों से। सो गाइज अब आ गए हैं, अब बारी है केक कटिंग की, सो मेरे जो गिफ्ट्स आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे आई होप, और केक कटिंग की बारी आ गई है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो रही है, और आगे वीडियो में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती हम लोगों ने की है, तो उसका भी मैंने जो है थोड़ा सा शूट किया है, आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा, सो देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो यहाँ पे जो है केक कटिंग की बारी है, और हम लोगों ने जो है केक थोड़ा सा खाया भी है, और काफ़ी मस्ती भी हुई है केक की, और ये देख सकते हैं आप मेरी छोटू सी क्यूटू सी बाबू जो इस समय जो है मेरे पास ही है, रुकी हुई है ये, मतलब अकेले तो नहीं रुकेगी, सिस्टर मेरी, हम लोग जो इस समय सब लोग साथ में ही एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड आया है, तो सोचा क्यों ना साथ में ही रहे, सो इसी वजह से हम लोग सब लोग इस समय साथ में ही हैं, देख सकते हैं आप मेरी क्यूटू कितनी खुश है। तो ये है केक कटिंग, उसके बाद जो है काफ़ी हम लोगों ने केक की मस्ती किया है, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
तो यहाँ से जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी मस्ती है केक वगैरह की। और बाबू मेरी किस तरह से केक के पास जो है आ रही थी केक कटिंग करते समय, केक कटिंग हो चुकी थी उसके बाद। सो ये छोटा सा व्लॉग है और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया पूरा दिन। पर बट पूरा दिन का ना व्लॉग मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पा रही हूँ कि बट क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा जो है काम रहता है, छोटा बच्चा भी है। सो इस वजह से पूरा दिन का व्लॉग तो नहीं आप लोगों से शेयर किया है मैंने, बट जब केक कटिंग हुआ था ना वो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। तो क्योंकि वो मेन था तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग आप लोगों से शेयर कर लूँ। और गिफ्ट्स वगैरह जो है जो मेरे बाबू के लिए लिया गया है सो वो भी आप लोगों से मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर लूँ। जो गिफ्ट्स कुछ जो है बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर और भी गिफ्ट्स का मैंने अगर प्राइज़ ना दिया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जो है बताइएगा कुछ अगर मैं बोल रही हूँ। सो ये है, अब बारी है मस्ती टाइम की। तो मेरी सिस्टर है ये जो मेरी अभी को केक खिलाया जा रहा है। अब यहाँ से आपको जो है फुल मस्ती दिखेगी वीडियो में, जो आप लोगों को जो है काफ़ी मज़ा आएगा। ये मेरी सिस्टर देख सकते हैं, हम लोग केक खिलाया जा रहा था, अचानक से केक मेरे फेस पर लग गया, जीजू ने लगा दिया था। और देख सकते हैं फुल मस्ती हो रही है केक की, पूरा केक जो है फेस पर लगाया जाना। सो ज़्यादा केक नहीं वेस्ट किया गया था, बट थोड़ा बहुत जो है मस्ती तो होनी चाहिए। सो इतनी है जो थोड़ी बहुत मस्ती है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा।